मिर्च की फसल में थ्रिप्स का प्रकोप होने पर किसान भाई उसको कैसे हम चंद घंटों में कंट्रोल कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में जानेंगे। किसान भाइयों, मिर्च में यदि थ्रिप्स का अटैक है तो 40 से 50% उत्पादन कम हो जाता है या पूरी तरह से कैंसर के समान फसल में काम करती है या पूरी फसल की फसल बर्बाद हो जाती है और हम तबाह हो जाते हैं। किसान भाइयों, इसका यदि सही तरीका यदि आपको पता है तो इसको आप नियंत्रित कर सकते हैं, नहीं तो आपकी पूरी फसल तबाह होने में समय नहीं लगेगा। किसान भाइयों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं कि क्या क्या उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं किसान भाइयों इसका नेचर ऑफ डैमेज क्या है। किसान भाइयों, थ्रिप्स एक सकिंग पेस्ट है, रस चूसने वाला कीड़ा है और यह एक कीट भर नहीं होता है किसान भाइयों, बल्कि यह होता है आपकी फसल में तबाही आने से पहले की शांति, जिससे आपकी फसल में तरह तरह के नुकसान होते हैं। जैसे थ्रिप्स के अटैक होने के बाद पौधे की ग्रोथ अचानक से रुक जाती है, यानी कि वनस्पतिक बढ़वार जो आवश्यक है वह नहीं हो पाती है, जिससे पौधे के रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में कमी आती है और आपकी उपज कम मिलती है। इसके अलावा थ्रिप्स के अटैक से बाद पत्ते ऊपर की ओर मुड़ने लगते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इससे प्रकाश संश्लेषण में कमी आती है और पौधे कमजोर हो जाते हैं और थ्रिप्स पौधों की नई शाखाओं के विकास को भी रोक देती है। इसके अलावा फ्लावरिंग को भी प्रभावित करता है और जो फ्लावर आ भी गए थे वो टिकते नहीं हैं, फल नहीं बना पाते हैं, और यदि फल भी बन गया तो फल अच्छे साइज के नहीं बनते हैं और उनका विकास नहीं होता है, फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिससे आपको बाजार में सही कीमत नहीं मिल पाती है। और इतने में थ्रिप्स रुकता नहीं बल्कि फसल में तरह तरह के वायरस भी फैलाता है, इसलिए जैसे ही थ्रिप्स का अटैक हो जितना जल्दी हो इलाज करना चाहिए। तो आपको मैं जो बताने वाला हूँ यदि इसका आप सही से फॉलो करेंगे तो एक भी थ्रिप्स नहीं लगेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी फसल में थ्रिप्स अभी तक अटैक नहीं किया है तो शुरुआत से ही ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि जब होगा तब देखा जाएगा। इसलिए आपको शुरुआत से ही प्रिवेंटिव में ही 10 से 15,000 PPM वाला नीम ऑयल का प्रयोग शुरुआत से ही करते रहना चाहिए। 10 से 12 दिनों के अंतराल पर नीम ऑयल के अलावा आप कोई अच्छी रासायनिक दवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसमें फाइटोटॉनिक एक्शन भी हो, जिससे पौधे हरे भरे एवं स्वस्थ रहेंगे और थ्रिप्स के अटैक से भी बचा सब रहेगा। इसके अलावा आपको स्टिकी ट्रैप भी लगाना चाहिए, जैसे येलो स्टिकी ट्रैप, ब्लू स्टिकी ट्रैप। इससे रस चूसक कीटों की लाइफ साइकिल ब्रेक होती है और इससे आसानी से आपको पता भी चल जाता है कि कौन से कीटों का अटैक आपकी फसल में हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, इनका प्रयोग आपको प्रिवेंटिव में ही करना है, कीटों का अटैक होने से पहले करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिले। बात करेंगे कि यदि हमारी फसल में थ्रिप्स का अटैक हो गया तो हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे हमारी फसल को नुकसान ना हो और जल्दी से जल्दी हमें थ्रिप्स से छुटकारा मिल जाए। तो मैंने जो आपको बताया उसको यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका 90% तक थ्रिप्स का अटैक कम हो जाता है। लेकिन यदि फिर भी आप फसल का ध्यान नहीं रख पाए और थ्रिप्स का अटैक हो गया है तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तरीके से ज़्यादा समय लगता है और हमें 100% रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं और हमें जल्दी से जल्दी थ्रिप्स को कंट्रोल करना होगा, ज़्यादा समय हमारे पास क्योंकि यह बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन भी फैलाता है। इसलिए मैं आपको 4 ऐसे केमिकल के बारे में बताऊंगा जो थ्रिप्स को तुरंत कंट्रोल कर देता है, लेकिन इसका 100% रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप इसके सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताऊंगा और जैसा मैं बताऊंगा वैसा करने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले आपको अपने मिर्च के खेत में जाना है और थ्रिप्स की वजह से जो पौधे ज़्यादा प्रभावित हों उनको उखाड़ कर अलग कर दीजिए। अब आता है कीटनाशक का प्रयोग। जो कीटनाशक मैं आपको बताऊंगा वो अगर आपकी नज़दीक की दुकान में मिले तो आप उसी सेम टेक्निकल का अच्छा ब्रांड वाला दवाई आप अपनी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में कीटनाशक में जो पहले नंबर पर है किसान भाइयों, उसको बताने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को किसान भाइयों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले नंबर पर आता है किसान भाइयों डेलीगेट प्लस बायर का रीजेंट, इन दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन मिलाकर देना है। डेलीगेट का टेक्निकल है स्पाइनोटोरम 11.7%, ये आपको टाटा की समिट में भी मिल जाएगा, तो उसका भी इस्तेमाल
कर सकते हैं। और बायर की रिजेंट में जो टेक्निकल आता है वो है फिप्रोनिल 5%। तो आपको साइनोटोरम डेलीगेट या समिट की मात्रा लेनी है 1 लीटर पानी में 1.5 ml। और बायर का जो रिजेंट है फिप्रोनिल 5% आता है, इसका आपको डोज लेना है 2 ml। इन दोनों को मिलाकर उपयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा कीटनाशक है घरडा कंपनी का पुलिस किसान भाइयों, इसमें आपको टेक्निकल मिलेगा फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोरपिड 40% 40%। और इसकी 1.5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर देना है। और इसके साथ आप डेलीगेट या समिट का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं 1.5 ml प्रति लीटर की दर से। यह सभी स्प्रे 10 से 12 दिनों के अंतराल पर करना होगा। ध्यान रहे शाम के समय ही स्प्रे करें, ज़्यादा तेज धूप में स्प्रे ना करें। तीसरे नंबर पर कीटनाशक है फ्लेगजा मेटामाइड 10% EC। इसका आपको डोज लेना है 1.5 ml प्रति लीटर पानी में। यह टेक्निकल गोदरेज की ग्रासिया में मिलेगा और इंसेक्टीसाइड इंडिया लिमिटेड के शिनवा इंसेक्टीसाइड में मिलेगा। तो आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। और चौथे नंबर पर आता है किसान भाइयों बायर का मोमेंटो एनर्जी, इसमें जो टेक्निकल आता है वो है स्पाइरो टेट्रामेट 11.01% और दूसरा आता है 11.01% इमिडाक्लोरपिड। इसकी डोज 2 ml प्रति लीटर की दर से किसान भाइयों देना है। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों को धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय श्री राम।